वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ डिस्कशन। आज हम बात करेंगे बिहार सिविल जज के प्रीवियस ईयर 2013 के जनरल साइंस की पार्ट नंबर 2 के बारे में। अगर आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने उसमें डिस्कस किया था, तो उससे भी आप ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भीती महाराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए इल्तुतमिश के मकबरे में, ऑप्शन बी इलाइद दरवाजे में, ऑप्शन सी ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, ऑप्शन डी हुमायूं के मकबरे में। इसका आंसर ऑप्शन ए इल्तुतमिश के मकबरे में। क्वेश्चन नंबर 28, समुद्रगुप्त के विजयों में उल्लेख किसमें मिला है। ऑप्शन ए मथुरा के शिलालेख में, ऑप्शन बी गिरनागर अभिलेख में, ऑप्शन सी ऐहोल अभिलेख में, ऑप्शन डी इलाहाबाद अभिलेख में। इसका आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद अभिलेख में। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख इलाहाबाद अभिलेख में मिला है। क्वेश्चन नंबर 29, अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन था। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी सिंहदास, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी राजशेखर। इसका आंसर है ऑप्शन ए कालिदास। क्वेश्चन नंबर 30, तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक द्वारा, ऑप्शन सी बिंबिसार द्वारा, ऑप्शन डी कनिष्क द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन बी अशोक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, संगम काल में तमिल और महाभारत किसने लिखी। ऑप्शन ए पेरुन देवनर नाथ, ऑप्शन बी बिल पुतुर, ऑप्शन सी कंबन, ऑप्शन डी कुतुन। इसका आंसर है ऑप्शन ए पेरुन देवनार। क्वेश्चन नंबर 32, जिस दिल्ली सुल्तनत ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था। ऑप्शन ए बलवान, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 33, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान किया वह था। देवराय वन, देवराय थ्री, कृष्ण देवराय और राम राय। इसका आंसर है आंसर सी कृष्ण देवराय। क्वेश्चन नंबर 33, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याचिका सर हिंद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था। क्वेश्चन ए आंसर ए लोदी, ऑप्शन बी सौंत, ऑप्शन सी तुगलक और ऑप्शन डी खिलजी। इसका आंसर है ऑप्शन बी सौंत। तारीख मुबारक शाही का लेखक याचिका सर हिंद सौदय के शासनकाल में था। क्वेश्चन नंबर 35, औरंगजेब के काल में जिन क्वेश्चन नंबर 33 औरंगजेब के काल में जिन संतनामियों के बगावत पर कर नरमौल शहर को दाखिल कर लिया गया था वे। ऑप्शन ए कबीर के अनुयायी थे, ऑप्शन बी दादू के अनुयायी थे, ऑप्शन सी गुरु नानक के अनुयायी थे, ऑप्शन डी रविदास के अनुयायी थे। इसका आंसर ऑप्शन बी दादू के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 36, दंड कारण में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है। आंसर ए ग्रीष्मकालीन चक्रवर्ता, ऑप्शन बी लौटती मानसून, ऑप्शन सी शीतलकालीन चक्रवर्ता, ऑप्शन डी स्थानीय झंझावत। इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रीष्मकालीन चक्रवर्ता। क्वेश्चन नंबर 37, निचले गंगा डेल्टा में
मिलने वाले निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म विदर क्या कहलाती है? ऑप्शन ए खल, ऑप्शन बी खदेरा, ऑप्शन सी खारी, ऑप्शन डी खोर। इसका आंसर ऑप्शन बी खदेरा। निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म विदर को खदेरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती और ऑप्शन डी माही। इसका आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी टेंडोब्रा इंडोब्रा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कोसी। इसका आंसर है ऑप्शन ए चंबल। चंबल सर्वाधिक पुराना है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? ऑप्शन ए कोयली, ऑप्शन बी टेम्बे, ऑप्शन सी बरौनी, ऑप्शन डी मथुरा। इसका आंसर है ऑप्शन ए कोयली। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है की संख्या क्या है? ऑप्शन ए NH-13, ऑप्शन बी NH-07, ऑप्शन सी NH-33, ऑप्शन डी NH-42। इसका आंसर है ऑप्शन बी NH-07। NH-07 सबसे लंबी राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरती है। 42, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 381 किलोमीटर, ऑप्शन बी 357 किलोमीटर, ऑप्शन सी 802 किलोमीटर, ऑप्शन डी 64 किलोमीटर। तो कावेरी नदी की कुल लंबाई है ऑप्शन सी 802 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33, सोन नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पन्न स्थान अमरकंटक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैकाली श्रेणी, ऑप्शन बी मकालू श्रेणी, ऑप्शन सी राज महल पहाड़िया, ऑप्शन डी महादेव पहाड़िया। इसका आंसर है ऑप्शन ए मकाले श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से होकर भारतीय मानव समय रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी मंडला, ऑप्शन डी भोपाल। इसका आंसर है ऑप्शन ए बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 45, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सतलज। इसका आंसर है ऑप्शन डी सतलज। क्वेश्चन नंबर 46, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 300 मीटर, ऑप्शन बी 150 मीटर, ऑप्शन सी 100 मीटर, ऑप्शन डी 30 मीटर। तो कोसी मैदान के समुद्र से औसत ऊंचाई है 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो कर्क रेखा बिहार से होकर गुजरती है। इसका आंसर है सी बिहार। क्वेश्चन नंबर 48, लमडिंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी नागालैंड। इसका आंसर है ऑप्शन ए आसाम। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस राज्य में समुद्र अपरदन सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की हिमानी झील कौन सी है? ऑप्शन ए मानसरोवर, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी ढेल, ऑप्शन डी वुलर। इसका आंसर है ऑप्शन बी सियाचिन। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस
हमारे चैनल पे नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।